नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत श्याम सुंदरपुर गांव का है, जहां एक लड़की ने बताया कि वह अपनी बहन के साथ शौच क्रिया के लिए बाहर जा रही थी, तभी गंगा प्रसाद के दरवाजे पर प्रांशु राहुल संदीप बैठे थे। जब दोनों लड़कियां वहां से गुजरी तभी उन्होंने अपशब्द कहते हुए लड़कियों के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। जब लड़कियों ने छेड़खानी का विरोध किया तो अभियुक्त गणों ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों बहनों को काफी चोटें आई। दोनों बहनों ने भोगनीपुर कोतवाली में पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं थानाध्यक्ष राम बहादुर पाल ने बताया कि उन्हें शिकायती प्रार्थना पत्र मिला है, जिसमें चारों अभियुक्तों के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों घायलों को उपचार के लिए CSC पुखराई में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात से इंडियन प्राइम न्यूज के लिए जंग बहादुर की यह खास रिपोर्ट। किस गांव के रहने वाली हो? सुंदरपुर। यहाँ पर कहाँ पे आई हैं आप? हम अपने मायके में आए, शादी हुई थी। शादी है यहाँ पे, हम मायके में आए थे। कहाँ है मायका तुम्हारा? श्याम सुंदरपुर। क्या पूरा मामला है? हम, हमारी बहन, दोनों लोग लैट्रिन जा रहे थे तो राहुल और प्रांशु और संदीप जी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, तो हमने कहा गलत मत बोलो, गलत बोलोगी तो हम चप्पल मारेंगे, इसलिए हम लोगों को मारने लगे और छेड़खानी की है और वो मार दी थी कुल्हाड़ी, बहन की कुल्हाड़ी मार दी, हमारे बाले और मंगलसूत्र खींच लिया। ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ का प्रधान है, उसको हमने वोट नहीं दिए है, वो सब करवा रहा, उसी ने गाली दी है, वो खुद आकर के हम लोगों को गाली दी है, कहीं है इनको मारो, वहाँ पे 20 आदमी भेजे अपने गांव से। क्या नाम है प्रधान का? उसका नाम राजू सचान है, दड़वापुर का रहने वाला है। तो आपके गांव में इतनी दबंगी क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो हमारा गांव उसमें लगता है ना, तीन गांव लगते हैं एक गांव में, हम लोगों ने वोट नहीं दिया। यहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र दिया? लेकिन वो बहुत पैसे वाला है, वो घूस देने की कोशिश कर रहा है कि हम घूस दे दें। क्या कार्रवाई की गई अभी तक पुलिस की तरफ से? गांव में फोन किया, फोन नंबर को भी बुलाया तो फोन नंबर जाकर गाड़ी अड़ा दी उसने। और कहाँ के रहने वाली हैं आप? अभी कहाँ आई हैं आप? क्या पूरा मामला, किस बात को लेके आई हैं? किस बात को लेकर कमेंट कर रहे थे, कैसा कमेंट था? वो PCS साहब जीत गया है, उसने प्रधानी ने वोट नहीं दिया तो बोल रहा था ये लोगों के घर की औरतों को उठवा लो, ये ज़्यादा वोट वोट नहीं दिया तो उनको मारो। आज थाने पे आए हो, जब एप्लीकेशन दिया तो क्या तक बोले थाना इंचार्ज? तो आप जब यहाँ पर आए तो आपके गांव में क्या माहौल है इस समय, आपके घर पे क्या बीत रही होगी? यहाँ पर कम से PCS ने गुंडे भेजे हैं, 20 लोग हमारे घर पे हैं, हमारे परिवार की औरतों को परेशान कर रहे हैं अभी भी। क्या धमकी दे रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं कि अपने घर के और लड़कों को बुलाओ उनको मारने के लिए, उठा ले जाएंगे, हम तुम्हें उठा ले जाएंगे, अगर लड़के नहीं बुलाओगे तो उनको तुम्हें मारेंगे।